धौलपुर के बाड़ी में सहायक अभियंता से मारपीट प्रकरण में अपडेट। आरोपी पूर्व विधायक गिरिराज मलिंगा को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। मलिंगा को सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर करने के निर्देश दे दिए हैं। प्रकरण में सरेंडर के बाद ही सुप्रीम कोर्ट मामले में आगे की सुनवाई करेगा। सरकार की ओर से एएजी श्री मंगल शर्मा ने पैरवी की। पीड़ित हर्षाधिपति वाल्मीकि की ओर से सीनियर एडवोकेट आदित्य जैन, सीनियर एडवोकेट महमूद फराजा ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की है। मलिंगा की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी पेश हुए। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, सहायक अभियंता से मारपीट का प्रकरण है, लेकिन ये मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आया। चाहे चुनावों की हम बात करें, ये भी एक मुद्दा बन गया था, लेकिन इस बीच एक बड़ा झटका मलिंगा को यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उन्हें सरेंडर करने के लिए कह दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट से ही बड़ा झटका, अब पालना करनी पड़ेगी निर्देश की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरेंडर कर दिया जाए। यानी कि इस पूरे मामले में अगर देखा जाए, मारपीट से जुड़ा मामला, लेकिन अगर दोषी माना जाता है तभी सरेंडर करने के निर्देश दिए जाते हैं, ताकि वो खुद ही कबूल कर ले अपना दोष। लेकिन अब आगे क्या कुछ मलिंगा करते नजर आएंगे, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम निर्देश फिलहाल है। प्रकरण में सरेंडर के बाद ही सुप्रीम कोर्ट मामले में बाकी की सुनवाई करेगा, और इंतजार रहेगा कि मलिंगा की तरफ से किस तरीके से सरेंडर की प्रक्रिया को आगे निभाया जाता है, इस निर्देश की कैसे पालना की जाती है। सरकार की ओर से एएजी शिवंगा शर्मा ने इसकी पैरवी की थी। पीड़ित हर्षाधिपति वाल्मीकि की ओर से सीनियर एडवोकेट आदित्य जैन ने, सीनियर एडवोकेट महमूद फराचा ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की थी, क्योंकि पीड़ित जो थे वो हर्षाधिपति थे, सहायक अभियंता जिन पर मारपीट जिनके साथ की गई थी, आरोप था मलिंगा पर, और सीनियर एडवोकेट आदित्य जैन, सीनियर एडवोकेट महमूद फराचा ने उनकी पैरवी की। मलिंगा की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने पैरवी की, वो पेश हुए उनकी जगह पर, मलिंगा की जगह पर। लेकिन निर्देश जो सुप्रीम कोर्ट से दिए गए हैं, सुप्रीम निर्देश है और इसकी पालना फिलहाल करनी होगी, यानी कि सरेंडर के निर्देश दे दिए गए। अब सरेंडर करते वक्त किस तरीके से बयान सामने आएगा मलिंगा का, फिलहाल उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है, पूरी तरीके से मुश्किलों में गिर गए। एक बहुत बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से ही उन्हें लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पूरे मामले में सरेंडर के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने आगे की सुनवाई करने की बात कही है, यानी कि जब तक इस निर्देश की पालना नहीं हो जाती तब तक आगे कुछ भी कहना, कुछ भी बोलना, किसी के लिए कोई बयान देना ये संभव नहीं हो पाएगा। और जो कार्रवाई होगी, जो प्रोसेस होगा, वो इस निर्देश के बाद ही होगा, यानी कि जो निर्देश दिए गए हैं सरेंडर करने के, पहले सरेंडर होगा, उसके बाद ही आगे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाएगी। तो पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन फिलहाल बड़ा झटका मलिंगा को लगता हुआ नजर आया है। फिलहाल आरोपी पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, जिनको बहुत बड़ा झटका। इस पूरे मामले को समझाएंगे दिल्ली से हमारे सहयोगी गौरव शर्मा जुड़ चुके हैं। गौरव, वाकई में बहुत बड़ा झटका है सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम निर्देश, यानी कि सरेंडर कर दिया जाए फिर ही आगे की सुनवाई होगी, पूरे प्रोसेस को समझाइएगा। जी बिल्कुल, इस मैटर में मैं बताना चाहूंगा कि जो शिकायतकर्ता है उसकी तरफ से अधिवक्ता महमूद फराचा और आदित्य जैन उपस्थित रहे थे, और राज्य की तरफ से शिवंगा शर्मा ने प्रतिनिधित्व कराया था। वहाँ गिरिराज मलिंगा की तरफ से जो वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी उपस्थित रहे थे। पूरी सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण मुद्दा ये था कि जो गिरिराज सिंह मलिंगा है उनको वो रिलीफ के लिए गए थे, हाईकोर्ट ने जो उनकी बेल डिनाई करी थी, बेल रद्द करी थी, उसको लेकर वो वहां अप्रोच करे थे। लास्ट टाइम पर नोटिस इश्यू करे थे, जिसमें आज सुनवाई हुई, और इस महत्वपूर्ण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि पहले आप सरेंडर कीजिए मैटर में, उसके बाद ही हम आपसे मतलब आपकी सुनवाई को सुनेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गिरिराज सिंह मलिंगा को झटका है, क्योंकि इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने उनकी बेल दे दी थी, लेकिन बेल के बाद जब वो पहुंचे थे और उन्होंने रोड शो किया था, तो इस मैटर में शिकायतकर्ता जो थे सहायक अभियंता, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि इन्होंने दोबारा से हमें धमकाने की और डराने की कोशिश करी, तो उनकी वहां से बेल रद्द हो गई थी, और फिर वो डायरेक्शन हाईकोर्ट ने दिया था कि आप 30 दिन में सरेंडर कीजिए। उस आदेश को चुनौती देते हुए मलिंगा हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, और यहाँ पर एक तरह से झटका उनको लगा है, क्योंकि अब उनको दोबारा सरेंडर करना पड़ेगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी कि हम इस पर सुनवाई करें या नहीं। जी चलिए ठीक है, यानी कि अभी कुछ भी कहना या कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी। पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में, निर्देश दे दिए गए हैं, और जब तक निर्देश की पालना नहीं होती, गौरव जैसे कि आपने कहा है, तब तक सुनवाई नहीं की जाएगी, यानी कि प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी देने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आरोपी पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा पहुंचे तो थे सुप्रीम कोर्ट में कि एक सुप्रीम फैसला आएगा, उनके पक्ष में आएगा, उनको राहत मिलेगी, लेकिन कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर होता है, फिर चाहे वो सियासत से जुड़ा हुआ
कोई भी ऐसा शख्स हो या फिर कोई आम शख्स। और जब सुप्रीम कोर्ट के पास मामला पहुंचा तो सुप्रीम ने निर्देश सरेंडर कर दिया जाए, यानी कि एक बार फिर से सरेंडर किया जाएगा और उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया चलेगी, यानी कि आगे की सुनवाई होगी। तो मलिंगा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, सरेंडर करने के निर्देश दे दिए गए, आगे की सुनवाई तभी होगी। और सीनियर एडवोकेट महमूद पर्चा की तरफ से जो पैरवी की गई थी, मलिंगा की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी पेश हुए थे, लेकिन वो नाकाफी साबित हुए। और अब सहायक अभियंता से जो मारपीट का मामला था उस पर मलिंगा को सरेंडर करना पड़ेगा। एक बार फिर से आरोपी पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं।